रवा साल सिर्फ चंद रोज का मेहमान है, चार रोज बाद नए साल का सूरज शुरू होगा तो 2019 माजी का किस्सा बन जाएगा। 2019 महकमा रेलवे के लिए कैसा रहा, इस पर सरसरी नजर डालते हैं और देखते हैं शेख रशीद की सरबराही में महकमा रेलवे ने क्या खोया और क्या पाया। दो हजार उन्नीस में महकमा रेलवे की अच्छी बातों का जिक्र किया जाए तो अदालत उज़्मा ने रॉयल पाम क्लब का फैसला रेलवे के हक में दिया। इसके अलावा 13 नई मुसाफिर ट्रेनें चलाई गईं और रेलवे पुलिस की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, जबकि रेलवे बोर्ड की तश्कील और ट्रैक एक्सेस पॉलिसी की मंजूरी दी गई। दूसरी जानिब इस साल 150 हादसात में 133 मुसाफिर जान से हाथ धो बैठे, जबकि गुज़श्ता माली साल के इख्तिताम पर 4 अरब की कमी के साथ 32 अरब का खसारा बरकरार रहा, जबकि मुसाफिर और गुड्स किरायों में 15 से 20% इजाफा हुआ। समझौता एक्सप्रेस बंद और TLA मुलाजमीन वजीर रेलवे के ऐलान के बावजूद इस साल भी मुस्तकिल न हो सके। सिर्फ यही नहीं बल्कि PSDP बजट में 12 अरब की कमी से कोई नया मंसूबा शुरू हो सका और न 230 नई कोचों और 820 वैगनों की खरीदारी हो सकी। इसके अलावा फंड्स की किल्लत की वजह से ट्रैक अपग्रेडेशन और न्यू रेल लिंक्स फेजिबिलिटी के 5 मंसूबे लटक गए। रेवेन्यू इज कंसर्न, हम पैसेंजर में भी प्लस हैं, फ्रेट में भी प्लस हैं और रेवेन्यू में भी हम टारगेट अचीव करने जा रहे हैं और हम अब तवज्जा दे रहे हैं अपनी सेफ्टी पे और पैसेंजर फैसिलिटेशन पे, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जो आने वाला साल है उसमें पैसेंजर फैसिलिटेशन और सेफ्टी को फर्दर इंश्योर करें।